आप लोगों के लिए सबसे बड़ी खबर जो है वो मैं ब्रेक कर रहा हूँ, और ये अब से कुछ देर पहले तक जो है वो अपडेट हो चुकी है। मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट बहुत जल्द 8171 सर्विस का बाकायदा आगाज कर देगी पूरे मुल्क के अंदर, जिसके जरिए आप लोग दोबारा से SMS करके जो है वो अपनी जो अहलियत है और जो पैसे हैं उसके बारे में आगाह हो जाया करेंगे और इन्फॉर्मेशन ले लिया करेंगे। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि गवर्नमेंट ने ये लॉन्च कर दी और इसके फीचर्स को मजीद मॉडिफाइड किया है। तो मैं इसके बारे में आपको डिटेल से बताने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि ये वीडियो आप सबके लिए रमजान मुबारक की, आज जो है वो शब भी लग चुकी है, इंशाल्लाह ताला अब से कुछ देर के बाद ही हम जो है वो फर्स्ट रोजे के लिए सहरी अफ्तारी सहरी करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला बहुत खुशी की बात है कि आप लोगों के लिए ये सर्विस गवर्नमेंट ने बाकायदा आगाज कर दिया है, और आपको आपके जो 12,000 रुपये हैं या जो 6,000 रुपये की जो रकम मिलने हुआ करेगी उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए करेगी। लेकिन उससे पहले मुझे कहना आप लोगों से यही है कि जो मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइमली आप लोगों को मिलती रहे। असास कफालत 8171 सर्विस का बाकायदा आगाज हो गया है। मुस्तहिक घराने प्रोग्राम में शमूलियत के बारे में जानने के लिए अपना 13 हिस्सों पर मुश्तमिल कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर 8171 पर SMS करें और जवाबी SMS के जरिए मौसूल होने वाली हिदायत पर अमल करें, ठीक है। उसके अलावा पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में हबीब बैंक, जबकि खैबर पख्तूनख्वा, आजाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बैंक अल्फला के मुकर्रर करदा अदायगी मराकज या बायोमेट्रिक ATM मशीन से आप लोग हासिल कर सकते हैं। असास अदायगी मराकज की अगर किसी ने जो तफसील है वो देखनी है कि कहाँ कहाँ पर बनी हुई है, तो इसका देखिए ये लिंक सामने नीचे दिया हुआ है www.pass.gov.pk/document/downloads। इसको आप इस लिंक को खोल भी सकते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपका जो है वो पता चल जाएगा। एनीवे ये सर्विस तो गवर्नमेंट स्टार्ट कर ही चुकी है। आप लोग इससे जो है 8171 के ऊपर अपने 13 डिजिट्स जो CNIC के हैं वो भेजें और आपको फौरन पता चल जाएगा। उसके अलावा मैं एक और बात आपको बता दूं कि कुछ लोगों को इस तरह का मैसेज मिल रहा है, ये इस तरह का मैसेज मिल रहा है कि मौजिद सारिफ राब्ता करने का शुक्रिया, आपको जल्द असास कफालत प्रोग्राम की अहलियत के बारे में आगाह किया जाएगा। अब इस मैसेज का क्या मतलब है? ये मैसेज का मतलब ये है कि वो लोग जिनका सर्वे अभी मुकम्मल नहीं हुआ और जाहिर सी बात है उन्होंने 8171 के थ्रू मैसेज कर दिया, तो अभी उनकी अहलियत गवर्नमेंट ने वेरीफाई नहीं की है, उनको वेट करना पड़ेगा। जैसे उनकी अहलियत वेरीफाई हो जाएगी तो गवर्नमेंट उनको भी 8171 से आगाह कर देगी कि ठीक है आपके पैसे आ चुके हैं, आपके पैसे नहीं आए, आप वेट करें, आप यहाँ से जाके ले लें। आपको कंप्लीट एक मैसेज मिल जाता है जिसकी वजह से आपको आगाही हो जाती है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी जो कि मैंने इस वक्त रात